यार मेरे पास सिर्फ बाबा है, वो पैसे देते हैं लेकिन इंटरेस्ट लेते हैं। तो कोई मसला नहीं, हम दे देंगे ना इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट देंगे तो अपना इंटरेस्ट पूरा होगा ना। ठीक है, चलते हैं ऑफिस के बाद। मैं औरों से तो 20% इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन 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 तेरा और मेरा दुख सांझा है, इसलिए 5% डिस्काउंट, तुम 15% दे देना। किरण मुझे भी सेल्फी में लो ना। अच्छा, कुत्ता बन के दिखाओ। अच्छा तुम अब भी नाराज हो मुझसे, ते दिन हुए तुमने बात नहीं की मुझसे। देखो किरण, मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं, और उस दिन सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए वो मैंने नकली सेट लिया था। यार मैं तुम्हें खुश करने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूं। अब इसे चाहे तुम मेरी कमजोरी समझो या बेवकूफी, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें दुख दे के मैं सुकून में थोड़ी हूं, मुझे माफ कर दो ना। अच्छा मुझे माफ नहीं करोगी? वैसे तुम्हें मुझे माफ करना भी नहीं चाहिए, लेकिन यार मैंने अपने हिस्से की सजा भुगत ली है। इतने दिन हुए तुमने मुझसे बात नहीं की, ये सजा थोड़ी है क्या मेरे लिए? किरण तुम मुझसे इतनी नफरत नहीं करती जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। बोलो। अच्छा किरण, ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए, देखो उससे। बिल्कुल खालिस सोने का है, जैसे मेरा प्यार। और मेरे प्यार को नापने का तो कोई पैमाना नहीं तुम्हारे पास, लेकिन इस सेट को तुम जिस चाहे मर्जी लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट करवा लो। ये वाकई सोने का है ना? अरे तुम्हें अगर मेरी बात पे यकीन नहीं ना, तो वो तुम्हारी मामा का फार्मूला है ना, वो सर्फ का पानी, वो खुरचन। अरे वाह, आज तो मेरी बेगम इतने दिनों बाद हंसी है, इस बात पे तो आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। सच्ची? मैं फौरन से तैयार होकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ बाबा, सोने का ही है। तो फिर मैं तुम्हारी पसंद का पिंक वाला जूड़ा पहन लूँ? और हाँ, उसके साथ वो सैंडल भी पहन लेना। यार तुमने तो कहा था कि मैं पिंक ड्रेस पहनने वाली हूँ और मेरी पसंद की सैंडल भी पहनने वाली थी तुम। तो मेरा मूड चेंज हो गया। याल्ला, अल्लाह के नाम पे, एक कोई सगी दाता जो बाबा को इतनी गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पिला दे। बाबा के 10 बच्चों में से 6 बच्चे भूखे हैं बाबा, अल्लाह के नाम पे। बाकी चार अभी आए नहीं, ऑफिस से नहीं आए, अल्लाह के। ये क्या देगा, ये तो खुद हमारा अपना ही बंदा। जा बाबा जा, अल्लाह के नाम पे। या अल्लाह, इसे इंटरेस्ट समेत कर्जा वापस करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह के नाम पे। ए कोई सखी दाता। मुरीद, दरवाजे पे देखें कौन है। मुरीद प्लीज देखे ना कौन है। सॉरी, इस घर में ना सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अनु,
कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आओ ना अंदर आओ। शामी तुम से बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मुरीद, मुरीद देखो कौन आया है। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे? बिल्कुल ठीक जैन, आओ बैठो। अभी कैसे बन गए प्लान अचानक? इन्होंने तो कहा कि बता दो, लेकिन मैंने भी कहा कि सरप्राइज दूंगी। क्यों, ठीक किया ना भाई? वेरी वेरी नाइस सरप्राइज। मैं जरा आती हूँ। जैन भाई, मैं एक मिनट। हाँ हाँ, हस्बैंड हो तो मुरीद जैसा, एक तुम हो। अरे बेगम, यहाँ तो बस कर जाओ। रहने दो अब तुम। बेगम ये क्या कर रही हो तुम? मेहमान आए हैं बाहर, ना चाय पूछी है ना कुछ खाने को। हार पहन रही हो? मतलब क्यों? अरे भाई, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा शहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अरे हाँ, ये तो वाले। मैं पहनूंगा, ठीक है। चलो चल। मुरीद, मुरीद अरे ये सेट और वो भी असूलिए में। हाँ, मुझे मुरीद ने गिफ्ट किया है। जैन, ये बिल्कुल वैसा ही सेट है ना जैसा आपने मुझे दिया था? हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, तुम्हारा भी तो सोने का था। ये और सोना आर्टिफिशियल था किरण। क्या? हाँ भाई साहब। तो ये थी कहानी हमारे रन मुरीद। ये रन मुरीद का पहला अटैक जरूर था, मगर आखिरी नहीं। तो आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि रन मुरीद का सीजन 1 आपको कैसा लगा। रन मुरीद सीजन 2 देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल आईबेक्स मीडिया हाउस जरूर सब्सक्राइब कीजिए।